वेलकम बैक, ग्रो डिजिटली में आपका स्वागत है। तो आइए कैनवा के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक देखते हैं, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग और भी अच्छी हो सकती है। अगर पिछले वीडियो आपने फॉलो किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप ये भी देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या चीज़ें नहीं हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखें। और बिगनर वीडियो भी मैंने बनाया है कि एक घंटे का पूरा ड्यूरेशन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि क्या नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ और ये मैं फिल्मोरा यूज कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे मैं एक डिज़ाइन लेता हूँ और ये डिज़ाइन टेम्पलेट है हमारा फेसबुक पोस्ट का। चलिए फिर यहाँ पे हम टेम्पलेट लेते हैं। तो टेम्पलेट मेनली, टेम्पलेट जब लेते हैं तो क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कलर कॉम्बिनेशन और टेक्स्ट हम किस तरह से ये यहाँ पे चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि उसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो, और मतलब कलर ऑरेंज और ब्लैक में कुछ हो। तो इस तरह से देखते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑरेंज कर लिया हमने। तो ऑरेंज से मिलता जुलता ही सारी जो हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो किसी भी एक टेम्पलेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये टेम्पलेट हमें अच्छा लग रहा है तो ये टेम्पलेट हम ले लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा बैक जाएंगे और ऑरेंज कलर को अगर अप्लाई करना है हमें तो हम इस पर जाके नया टूल का फ़ायदा उठाएंगे। स्टाइल को हम यहाँ पे कर लिया हमने, तो ऑरेंज हमने ले लिया। अगर और भी इसको डार्क आपको बनाना है थोड़ा सा लुक वाइज, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा और इसको डार्क कर सकते हैं और इस कलर को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, है ना। लोगों को हम यहाँ पे लोगो डालेंगे बाद में, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे ग्रो को उसके साथ में डिजिटली भी डाल देते हैं भाई, जब ग्रो है तो डिजिटली ग्रो करेंगे। ओके, ये इसको हमने ये कर दिया, थोड़ा इसका स्पेस ख़त्म करते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसका, छोटा करते हैं इसको, एक लाइन में करते हैं ताकि ये रीडेबल अच्छा हो। तो ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हमें कलर नहीं चाहिए, कुछ और कलर हम लेते हैं, ज़्यादा रंगीन हो जाएगा फिर, कोई बात नहीं, जो कलर इसमें यूज़ कर रहे हैं ना फूटर में वही कलर यूज़ कर लेते हैं, डार्क वाला। और यहाँ से हमने इसका कलर ब्लैक किया है, तो बेसिक हमारा ये टेम्पलेट का ये सेट हो गया है। और भी चीज़ें हम कर सकते हैं टेम्पलेट की तरफ से, तब देखते हैं यहाँ पे स्टाइल जो हमने बताया आपको, स्टाइल के बारे में कलर पैलेट से, ये कलर पैलेट्स में आपको कौन सा कलर पैलेट चाहिए, तो ये देखिए आप यहाँ पे करेंगे तो ये कलर पैलेट्स अप्लाई हो गया, ये करेंगे तो यहाँ से ये कलर अप्लाई हो गया, अगर ये देखिए तो जो भी आप करते हैं। और फिर फॉन्ट सेट है, तो ये दूसरा मैं बता रहा हूँ कि फॉन्ट सेट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखो आप फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है, जिस तरह से आप करेंगे फॉन्ट सेट, अभी और भी इसमें फॉन्ट सेट हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप देखें किस तरह से ये चेंज होता जा रहा है चेंज। ये देखो आप कर लिया यहाँ पे, ये वाला भी लग रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलर अच्छा नहीं है,
कलर हम इसे चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं कि लेटेस्ट हमारे पास जो है वो मैं लाइन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो थर्ड में हम देख लेते हैं कि लाइन एलिमेंट में जाएंगे और लाइन को किस तरह से हम अरेंज करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। मैंने छोटा कर दिया, इसे सेम साइज़ का अगर हम करना है तो कर सकते हैं ताकि अच्छा लगेगा वो। ये देखो आप, तो ये कंटेंट भी चेंज होना चाहिए। होपफुली ग्रो डिजिटली योर बिजनेस विद अस, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लिया, इस लाइन को हम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैजिक यहाँ पे है, ये लाइन टाइप इलबोर्ड। अब आप देखें ये कर्व हो गया, इस तरह से ये हो गया। अब एक और लाइन ले लेंगे, ये देखो आप यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, अब ये हमका हो गया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ब्लॉब यूज़ करके भी आप किस तरह से एक अच्छा सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फिर मेरा फेवरेट कलर आ जाता है ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लॉब यूज़ करेंगे, तो ब्लॉब में भी फ्रेम टाइप का ब्लॉब है, तो ये थंबनेल वगैरह यूज़ करने में काफ़ी ट्रेंडिंग तरह से लगता है। ग्राफिक में जाएंगे, देखते हैं, कोई भी एक हमने उठा लिया और ये यहाँ से इस तरह से कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो सिंपल सा मैं ये करता हूँ, इसको डिलीट करके इसकी कॉपी बनाता हूँ, कि बैकग्राउंड चेंज करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ब्लॉब का इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइंस वगैरह के लिए। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत तो आप काम कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग मैं एक आपको और अपडेट देता हूँ, ये है वेव। अगर वेव टाइप के कुछ आपको, जैसे ये ऑलरेडी टैम्पलेट्स हैं, ओके, तो लेकिन मुझे ये टैम्पलेट्स नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक वेव जो है कस्टमाइज टाइप के हो, मैं जिस तरह से चाहता हूँ तो उस तरह से करना है मुझे। तो ऐप में जाएंगे, यहाँ पे वेव टाइप करेंगे, आप यहाँ पे देखिए वेव आ गया, यहाँ पे एक वेव है। तो हम पहले ये वाले चेक करेंगे, ठीक है। तो किस रेशियो में आपको वेव चाहिए उसमें यहाँ पे दिया हुआ, अगर इस शेप में चाहिए या इस शेप में चाहिए आपको। तो इस डिज़ाइन को अगर आप इसके फुटर को यहाँ पे अगर और चेंज करना चाहते हो तो मुझे, हाँ देखो इस तरह से यूज़ करते हैं ना, लेकिन मैं राउंड शेप में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम राउंड शेप में यूज़ कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा इस तरह से, तो जितना कम होगा उतना ये फ्लैट होगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि
क्या सीन है ये, हमारा सीन तो बड़ा अच्छा है, बस इसको सेट करेंगे ताकि ये डिज़ाइन और भी आ जा अट्रैक्टिव लगे। और ज़्यादा इनलार्ज करेंगे ताकि यहाँ पे सेट हो जाए ये, इस तरह से मुझे ब्लैक जो है वो ना दिखे। और इसको हम कर देंगे लेयर्स में बैक, ये फ्लैट हो गया। तो इसको बैक नहीं करके हम कंट्रोल जेड करके फोन जो टेक्स्ट है उसको लाना है, लेकिन अब टेक्स्ट में लाऊं कैसे इसको, ये तो ये छिप गया है, ठीक है, या तो यहाँ से भी कॉपी करके लिखूं। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे एक नई हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, इससे शो करेंगे लेयर्स में जाएंगे और ये आपको लेयर्स दिखाएंगे आपको यहाँ पे। तो ये हो गया, ये लेयर हमारा यहाँ पे डॉट कॉम वाला है, इस लेयर को ऊपर करेंगे, आप देखो ये दिखने लगा यहाँ पे। यस दिख रहा है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिख गया। जब ब्लैक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा यहाँ पे, कंटेंट कंटेंट को यहाँ पे हम ब्लैक कर देंगे। तो यार थोड़ा सा इसका लुक आपने चेंज कर दिया इसका, और राउंड वगैरह करना है तो यहाँ से आप इसे तब टिल करके राउंड करके और इसे और अच्छी तरह से आप इसे ढकना है ब्लैक को मुझे, तो थोड़ा सा और इसको टिल करेंगे और ये ब्लैक हमारा ढक गया है पार्ट। हम यहाँ पे और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिलहाल तो हम यहीं पे देखते हैं और क्या करते हैं, ब्लैक वाली का जो शेड है उसको हम कर देते हैं लेस शो कराते हैं। ये ब्लैक बैकग्राउंड को हम कर देंगे ग्रे और इसको कर देंगे थोड़ा सा इधर शिफ्ट, और ये हो गया हमारा काम बन गया। यस तो हमारा काम यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड हम कर देंगे इसका ब्लैक वाइट, एंड देन इसका भी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बस इसको ब्लैक करना है या रेड करना है, पर इसको ब्लैक, ये देखो पर काम बन गया है। तो हमने इसका जो है अच्छे से कलर वगैरह चेंज करके डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अगर आपको रूलर चीज में देखना है तो रूलर किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल में, तो मैं आपको यहाँ पे फाइल में गए सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे शो रूलर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूलर आ गया है। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर लाना है सेंटर में लाना है तो सेंटर में, यहाँ पे टॉप में तो टॉप में आप ले आए, यहाँ पे एक और लाना है नीचे तो यहाँ से ला सकते हैं इसको, यहाँ पे आपने डाल दिया बॉर्डर डाल दिया। साइड का अगर लाना है तो आपको यहाँ से इस तरह से पकड़ के ला सकते हैं, एक और रूलर ला दिया है आपने यहाँ पे, तो आप इस तरह से आप यहाँ पे रूलर सेट करके इस तरह से आप डिज़ाइन को और तरह से ये कर सकते हैं। ये रूलर शो नहीं करेगा जब आउट से जब एक्सपोर्ट करोगे मतलब डाउनलोड करोगे तो, लेकिन ये वर्क स्पेस के लिए आपके अलाइनमेंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये हमने देख लिया वेब जनरेटर्स और लेयर्स पे किस तरह से काम करते हैं, ये भी हमने चेक कर लिया। टेक्स्ट क्राफ्ट के बारे में बताते हैं आपको। टेक्स्ट क्राफ्ट यहाँ पे जाएंगे ऐप में, टेक्स्ट क्राफ्ट क्राफ्ट ये आप देखो टेक्स्ट क्राफ्ट से भी आप एक अच्छा चीज़ें बना सकते हो। ये रहा हमारा टेक्स्ट क्राफ्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ ग्रो डिजिटली, ओके ने इसको ले लिया और इस पोर्शन को इसे अपने हिसाब से आप शेप दे सकते हो। तो काफ़ी ये यूज़फुल, आप अगर डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो कुछ इस तरह से चाहते हो कुछ यूनिक सा, इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है ये, फिर भी आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो तो इसे आप एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ऐड हो गया, आप देख लो इसका कलर वगैरह जो है, यहाँ से आप चेंज कलर, तो कलर यहाँ से हम इसे अपडेट एलिमेंट करते हैं। कलर सिलेक्शन तो दिख ही नहीं रहा है ये, आ गया कलर सिलेक्शन, अपडेट एलिमेंट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो मतलब आप इसको किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैंने बस आपको जो ट्रिक है वो बता दिया है यहाँ पे, और बेसिकली आप कर सकते हो देख लो आप। तो इस शेप वाइज भी अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। देखो अपडेट करेंगे तो ये इस तरह से ग्रो हो गया। तो अगर कोई जैसे शेप है आपको थोड़ा टेढ़ा तिरछा लिखना है तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। रिगार्डिंग मैं अपडेट्स बताता हूँ वीडियो एडिटिंग में क्या है। वीडियो एडिटिंग में हम जो चीज़ें हैं में और भी चीज़ें जो है कर सकते हैं। पहले तो हमने आपको बताया था कि वीडियो किस तरह से इसमें बनाते हैं, और वो वीडियो भी अगर चेक करना कर चाहते हैं तो चेक करें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़। चलिए देखते हैं कि वीडियो में हम क्या अपडेट्स है और किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो हमने फॉर्म ले लिया है इसमें, ओके तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, इस वीडियो के लिए ले लेंगे।
कोई सैंपल वीडियो ले लेते हैं यहाँ से। ये देखो आप अगर कुछ बनाना है तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो ये वीडियो ले लिया आपने, यहाँ पे आप देखो आप फिर जब क्लिक करोगे सो टाइम अप शो होता है। तो ये डिफरेंस है, अगर कोई भी टेम्पलेट्स को आप लोगे तो उसमें वीडियो तो आप ऐड कर लोगे लेकिन इसमें शो टाइम शो करेगा। आप जब वीडियो का सेक्शन में जाके कम्प्लीटली आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो तो दिखाता हूँ मैं आपको बेनिफिट्स इसके। शो टाइम अब ये शुरू से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के बाद आए, ये जब वीडियो स्टार्ट हो उसके बाद आए थोड़ी देर। तो अब यहाँ से हम इसे यहाँ पे चलाते हैं तो अभी भी ये थोड़ा जल्दी आ गया है। तो एक काम करते हैं ना, एक और मैं इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी हम प्रेस करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले पे जो है फर्स्ट वाले के कंटेंट हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ इसे एनिमेट कर लेंगे। अब यहाँ से कहते हैं, अब यहाँ से ठीक है, फिर राइट क्लिक करेंगे। ओके सो टाइम में ऑलरेडी हम हैं और इसमें थोड़ा सा ये करते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं इस पर ताकि और ये अच्छा ये दिखे कलर। अगर हम दूसरा इसका बैकग्राउंड करेंगे तभी ये पता चलेगा। आपको बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा से पहले चला जाए। और ये वीडियो ख़त्म होने से पहले भी थोड़ा सा चला गया है। तो इससे आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ये हो गया। अब इसमें हम अगर कोई वॉइस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे अपलोड में। अपलोड में जाने के बाद आपको कोई भी यहाँ पे फाइल लेनी है जो MP3 हो, ठीक है। ऑडियो मैंने पहले से कर रखा है तो मैं यही दिखाता हूँ इसमें क्या ऑडियो है, इसे ऐड कर सकते हैं आप ऑडियो। हाय
तो ये मैंने रिकॉर्डिंग किया है, इसमें और भी आप चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, और यहीं से अपडेट से आप जहाँ भी अपने फाइल रखा है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट का ऑप्शन है, और ये देखिए आप, और मिडिल यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे करके यहाँ भी मैं इसके स्प्लिट कर दूँगा। अब जो पार्ट आपको रखनी है रखो, जो पार्ट आपको नहीं रखनी है मत रखो। मैंने काफ़ी छोटा कर दिया ये, ये ओनली 2 सेकेंड का है ये। तो ये आपका इस तरह से काम करेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, कैनवा के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो थम्स अप, तो बाय बाय, टेक केयर।